दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में खाना है आपको तीन चीज। दोस्तों कई हजार सालों पश्चात 6-7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है। दोस्तों इस दिन राजयोग और अमृत सिद्ध योग और साथ ही धनलक्ष्मी योग जैसे कई सारे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों पर अगर आप यह तीन चीज खा लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, करोड़पति भी बन जाएंगे करोड़पति, जन्मों जन्मों के पितृदोष खत्म हो जाएंगे, निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों मैं सभी सनातनी भाइयों और बहनों को तहे दिल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों हम सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी काफ़ी नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी भाई बहन को भगवान श्री कृष्ण जिससे बड़ा लगाव और सबके प्रिय हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इस खास दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन आज भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आरती 12 बजे की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशी बांटी जाती है। दोस्तों जन्माष्टमी का यानी जन्मदिन मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों में घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव भी मनाते हैं, आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था और इस दिन मंत्र जाप भी श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यधिक फलदायी होता है। दोस्तों शास्त्रों में जन्माष्टमी के वक्त व्रतों जन्माष्टमी को व्रतों का राजा भी कहा जाता है और भविष्य में इसके संदर्भ में उल्लेख कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहाँ पर अकाल मृत्यु गर्भपात दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होते और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों इस दिन पूरा दिन भर उपवास रखते हैं और आपको बता दें कि जन्माष्टमी के व्रत अष्टमी तिथि के दिन से शुरू होता है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए तथा कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अष्टमी यानी कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही इसका विशेष रूप से इसके नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन यानी कि एक दिन पहले ही व्रत रखने के एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ बता दें कि इस दिन लहसुन प्याज और अंडे का सेवन एक दिन पहले से और इस दिन बिल्कुल ना करें। जन्माष्टमी के व्रत में भूल कर भी आपको यानी कि अन्न का सेवन नहीं करना है, इस दिन आपको फलाहार ही करना है। इस व्रत में यानी कि विशेषकर नियमों का पालन करें, भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण सदैव करते रहें। दोस्तों वही कुछ लोग इस दिन फलाहार भी करते हैं, इस व्रत को पूरा करते हैं फलाहार के साथ। तो दोस्तों बता दें कि जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके पश्चात पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प जल अक्षत लें और जन्माष्टमी का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें और आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा निषेध काल यानी कि आधी रात में करने की परंपरा है और किसी घरों में रात्रि 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात्रि में करते हैं वो नाल छेदन भी करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर यह पर्व बहुत ही शुभ रहता है। दोस्तों बता दें कि 12 बजे से पहले एक खीरा ले लें और इसको भगवान श्री कृष्ण यानी कि लड्डू गोपाल के पास आप रख दें। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे को बाहर निकालकर एक सिक्के के मदद से खीरे को काट दें, इसे ही नाल छेदन कहा जाता है। इसके पश्चात सबसे पहले जल से स्नान कराएं, पंचामृत दूध दही घी से शहद शक्कर से स्नान कराएं, तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। फिर जल से स्नान कराने के बाद साफ कपड़े से पहुंचकर सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार कराएं। इसके पश्चात उन्हें फूल
माला यानी पहनाएं और झूले पर या फिर सिंहासन में विराजमान कराएं। ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहें, जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलते रहें, दोस्तों उनके मंत्रों का भी जाप करते रहें। दोस्तों अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा कर तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन मिश्री पंचामृत नारियल से बनी मिठाई या फिर धनिया के पंजीरे का भोग जरूर लगाएं। और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन जो भी मीठे पकवान आप बनाए हैं उसका सेवन रात्रि यानी पूजा पाठ करने के बाद जरूर आप सेवन कर सकते हैं। यानी जो भी आपने खीर वगैरह पंजीरी वगैरह जो भी आपने बनाई है इसका सेवन जरूर कर लें। दूध दही से बनी मिठाइयाँ भी जरूर इसका सेवन कर लें। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण को इस दिन तुलसी का पत्ता जरूर आप अर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें। लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें, सोहर्ग आदि गीत गाएं, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि जो लोग रात्रि के पूजा के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्य उदय के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2023 में जन्माष्टमी का व्रत कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है और साथ ही 7 सितंबर दोनों दिन। दोस्तों बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी का ये 5250वां जन्म दिवस है। ऐसे में 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू हो जाएगा अष्टमी तिथि, 7 सितंबर को शाम 4:14 तक ये अष्टमी तिथि रहेगी। तो दोस्तों इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में गृहस्थाश्रम वाले लोग 6 सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को अष्टमी तिथि मना सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं। दोस्तों जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 46 का है जो कि रात्रि 12:02 से रात्रि 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने के 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं अगर किसी आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम की गई पूजा भी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जन्माष्टमी पर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इस दिन पत्तेदार गोभी यानी कि जो आप पत्तेदार गोभी वाली चीज़ें हैं बिल्कुल भी सेवन ना करें। दोस्तों इसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं। लहसुन प्याज का सेवन भूलकर भी आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ना करें। खासकर ये 2-3 सब्जियां तो भूलकर भी ना खाएं, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं क्रोधित। दोस्तों इस दिन आप यानी कुम्हरा की सब्जी भूलकर भी ना खाएं। कुम्हरा के साथ साथ जो यानी कि पत्तेदार गोभी होती है बंद गोभी उसका भी सेवन ना करें। साथ ही इस दिन विशेष तौर पर आप बैंगन की सब्जी भूलकर भी ना खाएं। बैंगन की सब्जी खाने से भी दोष पाप लगता है। और लहसुन प्याज का सेवन ना करें। इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप यानी कि नाशपाती का सेवन ना करें और नाशपाती के साथ साथ कुट्टू का आटा पुराना अगर आटा है तो इसे भी भूलकर भी ना खाएं। दोस्तों इसमें कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं इसलिए भूलकर भी आप ये चीज़ ना खाएं। क्या खाना है जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में आपको फलों में जैसे सेब अंगूर खा लेना है, साथ ही अनार का सेवन कर सकते हैं और इस दिन माखन मिश्री जरूर खा लें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पहले तो आप माखन मिश्री का भोग लगाएं और फिर इसके बाद माखन मिश्री का आप सेवन जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण इस दिन दूध से बनी चीज़ों पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं अगर इसका सेवन कर लेते हैं तो। इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में माखन मिश्री भी खा सकते हैं, फलों में अनार अंगूर सेब खा सकते हैं, लाल वाला अंगूर मिल जाए तो अति उत्तम है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जी को केला बहुत पसंद है इसलिए केले का भी सेवन कर सकते हैं और इस दिन मिठाई मेवे से बनी अद्भुत चीज़ें भी खा सकते हैं। साथ ही इस दिन 56 प्रकार की चीज़ें भी खा सकते हैं और पक्का भोजन जरूर इस दिन बनाकर ही सेवन करें। पारण यानी समय जो अगले दिन रहेगा उस दिन जरूर इसका सेवन कर लें। दोस्तों लेकिन कुछ चीज़ें ना खाएं जैसे बंद गोभी कुम्हरा वगैरह ना खाएं और बैंगन वगैरह की सब्जी और यहाँ पर आपको विशेष तौर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जैसे कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें, कीड़े मकोड़े या फिर पत्तेदार जो भी सब्जियाँ हैं उनका सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन सिर्फ आप दूध से बनी चीज़ें खा लें
और साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को इनकी लड्डू बहुत पसंद है, तो लड्डू का भी सेवन कर लें। खीर, जो खीर बनी है खीर का भी सेवन कर लें, और इस दिन फसही के चावल का जो खीर बनता है उसका सेवन जरूर कर लें। फसही के चावल का सेवन करने से ये कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इन यानी कि इस व्रत में इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इसे अधिक अधिक शेयर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।